आ जाए इधर को। गाइज अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं दूध पहुंचाने के बाद सीधे गाय लगाने के लिए आ रखी हूँ। तो हमारी गाय मम्मी ने सुबह ही लगा दी थी, लेकिन ये नीचे गेहूँ में, इन्होंने गेहूँ देख रखे हैं, तो हर एक खेत देखते ही गेहूँ की खेत में आ जाए। तो दोस्तों दिन की शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट किया जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब के सब लोग बढ़िया होंगे, अपन लोग भी एकदम मस्त है। तो गाइज अभी मैं ग्वाला गई हूँ, तो अब सीधे घर जाती हूँ। तो सबसे तो आज का मौसम दिखा देती हूँ। बारिश के बाद और बहुत सुहाना मौसम हो गया। सुहाना कहते ही कहीं कल को बारिश ना आ जाए। तो मौसम देख सकते हो, बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत ग्वाला से ही की जाए। तो ये चंपा भी अभी इसको भी खोल दिया है हमने। तो अभी मैं सबसे फर्स्ट में तो घर जाती हूँ। को यहाँ आते देखकर चंपा को भी आने का मन कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मैंने लकड़ियाँ रख रखी है क्योंकि चंपा नीचे को ना आ पाए। तो सबसे फर्स्ट मैं तो इनके लिए पानी भर देती हूँ, क्योंकि पानी अगर भर के रख दूँगी तो थोड़ा उसमें जो एकदम कड़क वाला ठंडा होता है वो थोड़ा ठंडा कम हो जाएगा पानी भर। तो ये है हमारी बकरी बछड़े। गाइज मैंने पानी तो भर दिया है गाय के लिए, इसने तो पानी पी भी लिया ठंडा ही। एक गाय ऊपर से देख रखी है पानी के लिए, वो दिख रही है पीछे। तो अब मैं थोड़ी बिस्तर सारे धूप में डाल देती हूँ, आज धूप अच्छी निकली है तो सारे बिस्तर निकाल के। सो गाइज मैं अपनी वीडियो देख रही हूँ अभी। बर्फ, क्या मस्त बर्फ लग रही है। वाओ, ऐसा लग रहा है मैं कहीं और देख रही हूँ, ये हमारे यहाँ नहीं है। इतना प्यारा सीन आ रहा था, लास्ट में नेट रुक गया, नेट नहीं चल रहा है अब। वाओ नितिन, अभी नितिन और विनीता होते तो हम कुछ ना कुछ और। नितिन और विनीता की याद आ गई मुझे। तो अभी मैं आगे सारे बिस्तर धूप में डाल देती हूँ। जैसे ही मैं बिस्तर बाहर धूप में डालने लगी, ये गाय और गेहूं के खेत में आ गए। ये दोनों माहे बहुत चोर हैं और दौड़ते भी हैं। दोबारा लगा के आती हूँ इन गाय को। तो गाय के पीछे भाग भाग के ना मुझे बड़ी तेज वाली खतरनाक वाली भूख लग गई, पेट दर्द होने लग गई भूख के कारण। इन्होंने इतना दौड़ा दिया ना, बहुत ही ज़्यादा दौड़ा दिया मेरे को आज तो। वहाँ पर, यहाँ पर दो कम्बल डाल रखे हैं और नीचे है, अभी और लाने हैं मुझे कम्बल वगैरह। तो अब दोबारा वापस घर जाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे, छत पे मुझे कपड़े मैंने। तो मैं
लेके आती क्योंकि छत बहुत ही गंदा हो रखा है। आगे झाड़ू लेके आती, झाड़ू लगा के उसके बाद बिस्तर वगैरह तो सुखा के आ गई मैं, तो जितने भी बिस्तर है शायद थोड़े बहुत और है वो नीचे वाले कमरे में, वो नीचे ही सुखाएंगे। तो आज सारे कपड़े सुखा रखे हैं क्योंकि अंदर ही अंदर जो छुपाए जो जिनको यूज नहीं करते हैं तो उनमें बदबू आ जाती है, तो अभी ये सूखेंगे तब तक। और अब इसके बाद मैं जलाती हूँ आग क्योंकि अब दिन के खाने का टाइम हो गया है। ये देखो बक्कू चढ़ रही है, इन दोनों गाय ने तो पानी पी लिया है क्योंकि ये तीसरी बार घर आ गए थे। इनको और लगा के आती ऊपर को। मम्मी जंगल गई थी तो जंगल से लकड़ी लेके आ गई है। अभी मैं पालक तोड़ लिया मैंने, तो पालक बहुत ही छोटा छोटा हो रखा है क्योंकि ये माल्टे देखिए आप, बंदर आधे खा के गए हैं, आधे बर्बाद करे हैं बंदरों ने। और यहीं पर प्याज और पालक वगैरह था तो ये भी बंदर पूरा आधा खा के गए हैं और आधा बर्बाद करके गए हैं, पूरा चर रखा है बंदरों ने, ऐसे तोड़ तोड़ के गए हैं बंदर वगैरह। तो अब आज हमारा बनता है पालक भात, तो अब बनाते हैं इसकी सब्जी, पालक की सब्जी नहीं पालक का साग। दिन दोपहर हो गई है तो एक बार बिस्तर को पलटा देते हैं सारे। Thank you.
उठाते उठाते हालत ख़राब हो गई है, इतने सारे बिस्तर हो रखे हैं। तो अभी बिस्तर नीचे तो उतार दे, लेकिन उनको अभी संभालने भी है। तब तक मैं ऊपर, चंपा भूखी है, ऐसे देख रखी है मेरी बाबू, तो उसको घास डाल के आती हूँ, उसके बाद बिस्तर को संभालती हूँ। भूख लग गई हमारी चंपा को। इतने सारे कंबल, इनको पहले निकालो, फिर बाहर छत में डालो, फिर उसके बाद सुखाओ, फिर झाड़ो, फिर पलटाओ, फिर और तह करके फिर छिपाओ। थोड़े कंबल तो रख दिए हैं मैंने अंदर, और थोड़े बहुत कंबल ये है, इनको भी अब संभालती हूँ। तो शाम भी हो गई है, दिन ढल चुके हैं, तो मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं ऐसे ही अगले नए ब्लॉग के साथ। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, एंड कमेंट करके बताइए कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। और कम्बल लेने हैं तो बताइए, मैं कम्बल बेच रही हूँ अब, फेरी वाला बनना है अब मुझे। तो फिर मिलती हूँ मैं ऐसे ही अगले नए ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए बाय।